हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीसी इंट्रेंस एग्जाम 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ऐसे विद्यार्थी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जिन विद्यार्थियों ने बीसीसी एग्जाम 2021 का दिया हुआ था, उन सभी का काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे काउंसलिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। ठीक, तो आज के नोटिस में देखते हैं हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के शेड्यूल के बारे में, क्या इसका शेड्यूल है। तो पहले कुछ आपको अपडेट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपको होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रेशन कौन कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, जिनके रैंक कार्ड में क्वालिफाइड लिख के आया है। ठीक है, वो सभी लोग एलिजिबल होंगे, क्वालिफाइड लिखा हुआ अगर आया है तो। अगर आपके रैंक कार्ड में यानी रिजल्ट कार्ड में आपका नॉट क्वालिफाइड है, अगर आपका नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाइड में रैंक आप कितनी भी हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सवाल ये आप करेंगे, सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप प्रीवियस कट ऑफ देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस कट ऑफ पर इतने पर सिलेक्शन हुआ है और उससे कहीं आपकी 100-200 रैंक वेरी कर रही है, इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। ठीक, चूंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। रजिस्ट्रेशन सबसे मेन और सबसे पहला स्टॉप होता है आपका रजिस्ट्रेशन। हालांकि बिहार की पूरी काउंसलिंग में कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होती है। सबसे अच्छी बात यह है। अब वो एक बात अलग है कि आप कुछ नेट चार्ज कुछ अलग ले लेते हैं कैफे वाले, एक अलग बात है। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस अगर आपको आता है तो आप घर से ही अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका होता है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपका होता है वो होता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, जब भी आपकी ये सब कहानी शुरू होगी तो हम आपको तब भी वीडियो बना के देंगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेज आपको भरने हैं। चॉइस फिलिंग में आपको अपना कोर्स भरना होता है, हमें कौन सा कोर्स चाहिए। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और इन की काउंसलिंग होती है, और जो मेडिकल कोर्स होते हैं छोटे फार्मेसी नर्सिंग सबकी जो है बाद में होती है। ठीक, और बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें आप कोर्स आपको डिसाइड करना पड़ता है और कोर्स के हिसाब से आपको कॉलेज कि कौन सा हमें कॉलेज चाहिए, तो ये पता करना जरूरी होता है कौन से कोर्स में और किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट है, पहली बात। ठीक, ये आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी आपको हम देंगे भी। ठीक, इसके बाद जो थर्ड स्टेप यहाँ पर होता है वो होता है अलॉटमेंट लेटर के बारे में, अलॉटमेंट लेटर। और यहाँ पर अलॉटमेंट जो लेटर हैं वो केवल दो ही तक मिलते हैं, यानी थर्ड अलॉटमेंट लेटर में आपका नहीं होता है। तो केवल फर्स्ट और सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग होती है, थर्ड यहाँ पर नहीं होता है और ना ही यहाँ पर मॉपअप होता है। ठीक, चूंकि होता क्या है, ऑफलाइन काउंसलिंग कई बार लास्ट में लोग बुला लेते हैं 2-4-10 बच्चों को, इसलिए बुला लेते हैं ताकि अगर कोई बाद में सीट खाली मिलती है या कहीं पर सीट खाली होती है तो उसी बच्चों को बुला के सीट को फिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप के पास तीन प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तभी कर पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन किया होगा, अलॉटमेंट तभी मिलेगा जब आपने चॉइस फिलिंग की होगी। ठीक, आप इस पेज को डाउनलोड करके पूरा पढ़िएगा, इसको 2-3 बार पढ़िए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि कई बार वीडियो बच्चे पूरा नहीं देखते हैं तो मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई, तो ध्यान रखेंगे यहां पर। अब यहां हम लोग आते हैं अपने प्रोसेस के बारे में, देखते हैं कहां पर क्या करना है आपको। ठीक, देखिए ये जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट आपका लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीट मैट्रिक्स। देखिए आपके किस कॉलेज में कितनी सीट है, ये 15 दिसंबर में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी, वेबसाइट पर आप देख लेना कि कितना यहाँ पर जो है सीट है किस कॉलेज में किस कोर्सेज में, ताकि उसी हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करें। ठीक, तो आपको सीट मैट्रिक्स कब मिलेगी, 15 दिसंबर। आज का जो डेट है वो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर एड्स दिवस। ठीक, और 2021 इसका वीडियो है। अलग नोटिस आपका 31 दिसंबर में आ गया था, उसमें क्या नाम, सॉरी 30 नवंबर की रात में कल आ गया था, लेकिन हमें आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपका जो है चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट। ठीक, यानी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं वो 17 से स्टार्ट होने हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन बाद तुरंत ही किसका आ जाएगा, चॉइस फिलिंग का, और जब चॉइस फिलिंग करेंगे बाद आपका अलॉटमेंट आएगा। ठीक,
यहाँ पर ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑनलाइन करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। यानी जहाँ भी आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, जहाँ भी आपको मिलेगा कोर्स किस कॉलेज मिला हुआ है, उस कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। मैं बात करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। ठीक, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग की, ठीक है, ये आपकी है 21 तारीख। ठीक है, यहाँ तक आपको अपनी चॉइस फिलिंग और सीट को लॉक करना होगा, यानी हमारी चॉइस फिलिंग हो चुकी है। तो 17 से लेकर 21 तक यानी 5 दिन तक आप आराम से सोच विचार करके काउंसलिंग जो है मैं भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक, अब आपका जो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल लेटर है, यानी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया चॉइस फिलिंग की, उसका रिजल्ट भी आएगा कि कहाँ कहाँ कॉलेज मिला, कौन सा कोर्स मिला। तो आपका जो कोर्स, ये जो आपका जो रिजल्ट है अलॉटमेंट का, ये आएगा आपको 24 दिसंबर में। ठीक, और ये जो डाउनलोड जब कर पाएंगे आप इसको, ठीक है, डाउनलोड करेंगे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट को, ये आपका 25 दिसंबर से लेकर के और 29 दिसंबर तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक नेक्स्ट स्टेप। चूंकि देखिए, पहले क्या हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, फिर क्या हुआ आपकी चॉइस फिलिंग, अब चॉइस में बात करा हमें क्या मिला आपको, अलॉटमेंट लेटर, यानी किस कोर्स में कौन सा यूनिवर्सिटी में कोर्स आपको मिला है। अब जब उस यूनिवर्सिटी में कोर्स मिला है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रोसेस है, यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड। यानी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको उसी कॉलेज में जहाँ पर आपको कॉलेज में कोर्स अलॉट हुआ है। हालांकि ICER में ऑनलाइन भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन स्टेट परीक्षाओं में ऑफलाइन होता है। ठीक, तो आपको जितने डॉक्यूमेंट हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पर जाना होगा। और ये कब की डेट है, 26 से लेकर के 29 तक, 3 दिन के बीच में आप यहां पर करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने बताया था आपको 2 राउंड मिलता है, तो यहां पर जिन लोगों को हो चुका होगा मान लीजिएगा, वहां पर आपको स्लिप देंगे, ठीक, वेरिफिकेशन स्लिप, और अगर आप लेंथ कॉलेज लेते हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, वो सीट आपकी लॉक हो जाएगी। अगर आपको सीट वो नहीं चाहिए, फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक, यहाँ पर उसी कॉलेज में। और यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं फीस जमा करने के बाद, अगर आप चाहते हैं हमें सीट को अपग्रेड कराना है तो आप सीट को अपग्रेड तभी करा पाएंगे जब उसकी फीस जमा करेंगे। ठीक, चूंकि कुछ बच्चे बोले हमने फीस जमा कर दी, अपग्रेड दूसरा कॉलेज मिल गया, तो जो आपकी फीस जमा होती है अगले कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फीस स्टेट में वापस भी होती है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो अगर आप सीट को चाहते हैं, ठीक, या अपग्रेड करवाना चाहते हैं तभी आप फीस जमा करें, एडमिशन लेना हो तो, नहीं तो आप फीस जमा ना करें। ठीक, अगर एडमिशन नहीं लेना तो आपको, ठीक है। अब देखिए सेकंड में, यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट जो लेटर आपका मिलेगा वो 5 को मिलेगा, यानी ये आपका नई जनवरी में, ठीक है, इसमें आपको नई साल में 5 जनवरी, ठीक, इसके बाद जो सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पे 5/1 में, और जो इसका वेरिफिकेशन नोटिस है वो आपका 6 तारीख तक। यानी जो काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो 15-17 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और आपका ये कब तक चलेगा देखिएगा, पूरा 6 तक। यानी ये मान लीजिए कुछ इसमें लेट लपेट भी होगा, पूरा ये आपका जनवरी, आधा जनवरी खा लेगा, यानी 1 महीने का टाइम आपका इसमें लगेगा, ठीक, 2022। ठीक है, तो ये तो पूरी बात होगी आपकी इस काउंसलिंग के जनरली मोटे मोटे एक आपके प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो विद्यार्थी कराएंगे। देखिएगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक, हाँ चलिए, चूंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पास नहीं होगी। जिन विद्यार्थियों पास यहाँ पर रैंक कार्ड नहीं है, यानी आपका रिजल्ट कार्ड नहीं है BCEC का, वो देखिए मैं बता दूँ, आप काफ़ी लोग खो दिए होंगे, ठीक, चूँकि रिजल्ट आता तो काफ़ी लोग उसकी खुशी में खो देते हैं, तो आप जो अपना रैंक कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ये देखिएगा, अगर आपका रिजल्ट कार्ड खो गया है तो आपकी वेबसाइट मेरिट ऑफ BCEC 2021 पर लिंक क्लिक करके जो है आप अपना रिजल्ट कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंक कार्ड, चलिए अभी हम बताते हैं आपको प्रोसेस क्या रजिस्ट्रेशन का है, क्योंकि अभी दिन काफ़ी हैं तो हम आपको बता दें एक बार। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगले प्रोसेस के बारे में। देखो लिखा हुआ यहाँ पर, इंटरनेट व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप लेट लपेट काउंसलिंग कराते हैं और अगर नेटवर्किंग प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आपको BCEC बोर्ड कोई जिम्मेदार नहीं होगा, आपको काउंसलिंग पहले ही करा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ आप देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय BCEC 2021 के सभी पात्रता प्राप्त आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी न्यूनतम अभिलेखों के साथ निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर, यानी जहाँ भी आप कॉलेज अलॉट हुआ है
पर विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 और 2 उल्लिखित पदाधिकारी द्वारा जो है मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे। ठीक, देखिए वहाँ लिखा हुआ मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज जितने कागज एक एक स्व सत्यापित मतलब खुद से आप हस्ताक्षर करेंगे और उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ध्यान रखेंगे जो हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाएंगे वो आपके ओरिजिनल भी होने चाहिए एंड फोटोकॉपी भी होने चाहिए, उसी की आप फोटोकॉपी कराएंगे और ओरिजिनल, और ये फोटोकॉपी आपकी स्व प्रमाणित होनी चाहिए मतलब इसमें खुद के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्व प्रमाणित। ठीक है, ये होने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, अगला आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक, यहाँ लिखा हुआ मूल प्रवेश पत्र यानी आपके 10th अंक पत्र की है मार्कशीट। ठीक, अच्छा कहीं कहीं लिखा हुआ है आपका मूल प्रवेश पत्र, यहाँ लिखा होगा देखिएगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर मान लिया 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से बनाना पड़ेगा, और ये कहाँ बनेगा, कॉलेज से, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, पास कॉलेज में आप जो है डिग्री ली है जो है इंटर पास किया है वहाँ आपको ये बनवाना पड़ेगा, हालांकि 10th में ऐसा लिखा होता है। ठीक है, तो आपका 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट, ठीक, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद और ये ओरिजिनल और ये फोटोकॉपी भी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3rd पर बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो आपने परीक्षा दी है उसका एडमिट कार्ड दिखेगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपका एडमिट कार्ड, ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, उसमें लगाए गए फोटो, यानी जो एडमिट कार्ड में आपकी फोटो है उसी तरीके की आपकी सेम 6 फोटो होने चाहिए, फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां मतलब इसकी आपकी जो है फोटोकॉपी होनी चाहिए कितनी, 6। ठीक है, एडमिट कार्ड की 6 आपकी फ़ोटो होने चाहिए और इसमें फ़ोटो वही होने चाहिए जो आपकी फ़ोटो लगी हुई है, आपको अलग से फ़ोटो भी बनवा लेनी है उसी टाइप की जो आपकी सेम फ़ोटो है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप लोग मूल जाति प्रमाण पत्र यानी मूल निवास। ठीक, ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट, मूल निवास वो आय प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका मूल निवास ये है आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास, ठीक है, डोमिसाइल। इसके बाद देखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, ये कहाँ बनेगा, ये आपका जहाँ से आपने स्कूलिंग की है कॉलेज में, जहाँ से आप इंटर पास किया वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये एक बात होगी आपकी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है लेकिन ज़रूरत उसकी भी पड़ती है, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, पिछले बार भी लगा था, ध्यान रखिए इसमें दिया नहीं, पुराना नोटिस है, ये नोटिस नया है, लेकिन जानते क्या है ये जो नकल है ये सब पुरानी छाप देते हैं लोग, एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास जो है एक फॉर्म लेंगे उसको भर देंगे और मॉल लगा देगा मेडिकल ऑफिसर, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो विद्यार्थी सैनिक कर्मचारी कोटा से हैं या फिर डिफाल्टर कोरा विकलांग कोटे से हैं उनका सर्टिफिकेट इसका चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप देखेंगे इस अगले प्रोसेस में और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो अब आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड की फोटो, बीसी जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपको, पार्ट ए, पार्ट टी, पार्ट बी, ठीक है, इसकी हार्ड कॉपी, तो आपको बीसीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही चाहिए। इसके बाद में रैंक कार्ड यानी जो रिजल्ट कार्ड है आपका बीसीसी का, इसे हम लोग बोलते हैं रिजल्ट कार्ड। ठीक, जो रिजल्ट आपने दिया निकाला है तो आपको रिजल्ट भी चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने है तो उपरांत चॉइस स्लिप, जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसकी आप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी स्लिप आप पास इसकी पीडीएफ आप रखिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड किए गए अलॉटमेंट लेटर, यानी जो आपको अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है चाहे चॉइस फिलिंग बाद जब भी आप अलॉटमेंट लेटर देखेंगे तो उसकी आप वो 3 फोटोकॉपी निकालनी पड़ेंगी कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन स्लिप, अब ये वेरिफिकेशन स्लिप क्या है, जब भी आप किसी कॉलेज में जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो उस जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो क्लियर को वो लोग एक स्लिप देते हैं, इसको जांच पर्ची बोलते हैं, ये इसलिए देते हैं बाय चांस आप सेकेंड राउंड में अगर आपको दूसरा कॉलेज मिला अपग्रेड करवाने पर तो वही आपको स्लिप लानी पड़ेगी, बार बार डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन केवल आपका एक ही बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लिप की इन 2 कॉपीज एंड डाउनलोड अलोंग विद द बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी।
ठीक है, तो ये आपको साक्षात्कार के साथ जो है ले जाना होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि एवं जो भी आपको तिथि दी जाएगी आप उसी तिथि में जाना होगा। इसके बाद जो है कोई भी इसका हकदार नहीं होगा, यानी यहाँ पर अगर कोई भी गलती होती है तो इसमें आपकी गलती मानी जाएगी, उसके लिए वीसीसी बोर्ड यहाँ पर जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस हैं आप सभी के लिए। अगला एक आप ऑन देखिएगा, एक नंबर और है यहाँ पर 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन है तो इच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं हमें अपग्रेड करवाना है, ठीक है, तो अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। मैंने क्या बताया, डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन बार बार नहीं होने हैं, एक बार वेरीफाई हो गया फिर आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या मिलेगी, आपको केवल स्लिप मिलेगी, तो आप स्लिप लेकर केवल चले जाएंगे, आपका मान हो जाएगा। देखो भाई इसमें लिख रहा स्लिप वापस ले लें, अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। हालांकि अभी तो 15 दिन बाकी हैं, जिन विद्यार्थियों के पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, पहली बात। एक यहाँ पर चीज़ और नहीं बताई, उसको जरा सुन लो, अगर आपने 10+2 2021 में किया है तो यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। अगर आपने इंटर पास 2020 का है या इसके पहले का है, ठीक है, 19 का है, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे 18-17 वाले होंगे, ठीक, अगर आपका 2020 के पहले का है तो आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो आप बाद में भागेंगे। गैप सर्टिफिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं हलफनामा। क्या बोलते हैं? हलफनामा। ये आपको बनवाना पड़ेगा, और ये कहाँ से बनेगा, ये जो कचहरी होती है, ठीक है, तहसील में बन जाते हैं या फिर जो आपका कोर्ट कचहरी है वहाँ पर आपको जो बैठे रहते हैं वो लोग बना देंगे, ठीक है, स्टाम्प ले लेंगे, स्टाम्प लिख देंगे आप कितना गैप है, चूँकि ये लीगल चीज़ है, ठीक, तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। दो चीज़ें, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा आपका गैप सर्टिफिकेट, ठीक। तो इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, कब आपको क्या होना है, किस तरीके से काउंसलिंग होनी है, बाद बाकी आपको जब भी सीट मैट्रिक्स आएगा तो वहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग आपको जानकारी देंगे। एक मैं आपको और जानकारी दे दूँ, बहुत से बच्चे डेली ही कॉल भी करते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी 2022 एग्जाम देंगे, 2022, ठीक, ICR या फिर BHU या फिर अपना स्टेट BCEC, ठीक है, इन सभी का ऑनलाइन क्लासेस जो है अभी एक हफ्ते में चालू हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, क्योंकि डेली बच्चे कॉल करते हैं, मैं समझता हूँ डेली ठीक नहीं है, तो ऑनलाइन इसका जो क्लास हम लोग चला रहे हैं वो आपका ऐप में जो है वो टारगेट बैच के नाम से है आपका बैच, ठीक है, टारगेट बैच, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका हम लोग अभी शुरू किए थे 18 नवंबर से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, इसमें आपके 3 एग्जाम है, ICR, BHU, BCEC, और ये इसमें केवल PCM या फिर PCB, ठीक, या फिर PCA और या फिर आप ACB से हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फीस केवल जो है 2,999 रुपये है। इसमें स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ जो है आपको मिलेगा, ठीक, तो ये प्रोसेस हुआ है आज का काउंसलिंग के, ये उनके लिए है जो लोग 22 में एग्जाम देंगे उन सभी के लिए, ठीक है। चूंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ टाइम कमी से, तो आज का वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा काउंसलिंग का प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।